हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी 6:30 बजे मैं जा रहा हूँ। सावन का महीना चल रहा है तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ऊपर वेदर भी शानदार हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, भोलेनाथ के मंदिर, फिरोजपुर जिर का। मित्र आ रहा है, अपना दोस्त आ रहा है तेजपाल। तो आज वो किसी काम से गया हुआ था तो उसका भाई का फ़ोन भी आया, बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, वहाँ चलेंगे। तो मैंने चलो ठीक है भाई, तो अपन उनका कर रहे हैं वेट। दोस्तों एक बात है, सावन के महीने में चारों साइड हरा भरा हो जाता है, जो पेड़ में पत्ते नहीं आते वो भी इतना हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल फल फूल के, मतलब फल तो नहीं, जिसमें फल आने होते उसमें फल आते हैं, जो खिलते हैं वो खिल जाते हैं। तो चारों साइड बारिश रिमझिम कंटिन्यू है और मैंने चेक किया था वेदर तो बता रहा है 7 दिन लगातार बारिश रहेगी। तो देखो एक बार, ये बिल्कुल हरा भरा है, दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक हरा ही हरा है सारा। तो भाई तेजपाल आ गया भाई। राम राम भाई, सबने सभी भाइयों को राम राम। तो अपन बात कर ही रहे थे, अब चल दिए हैं, अभी जाएंगे फिरोजपुर झिरका, बाप भोलेनाथ के दर्शन करिए आते। चलो बाबा भी आज बुला रहा है, मौसम भी छीड़ा कर रखा भाई, एकदम ठंडा मौसम कर रखा है, मजा आ गया। बाबा ने साथ ले डोला, बाबा मार गए तो है भैया, सामने बैठा रखा है हमने। तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम भी ठीक है, एकदम बढ़िया हो रहा है, बस थोड़ा सा झिंझर का अंधेरा हो चुका है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है अरावली पर्वतमाला, जो कि जीके में पढ़ते होंगे आप, मैंने बहुत पढ़ी पर नौकरी ना लगी। साइड में कर ले यार, फोन बाद में चला ली, फोन चला रहा है। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया बस, और कुछ नहीं है। बाकी ये जो दिख रही है ना सामने, ये पहाड़ है और अरावली पर्वतमाला है। भोलेनाथ के मंदिर में किस लिए पहुँच रहे भाई पता है? भोलेनाथ के मंदिर में इसलिए जा रहे हैं, तेजपाल भाई मतलब कि भोला याद कर रहा था अपना और जानी रहा था। सुबह भी याद किया था, मैं नहीं गया तो सुबह, तो चलो काम भी आ गया था तो उस काम के लिए जाना भी जरूरी था। तो अभी क्या है, भोलेनाथ ने सोची भाई वैसे तो आएगा नहीं, चलो बारिश करते हैं, बारिश से तो गाड़ी में बैठ कर आ भी जाएगा। और अब मैं ये कह रहा हूँ भोला भी बुला रहे हैं, सुबह बुलाएगा पक्की बात है। चल मैं तेरी डबल हाजिरी लगवानी है अब, तो सुबह मम्मी लेकर आनी पड़ेगी। फिर तो एक बार सावन के बाद ही आवा, फिर शायद हो सकता है कि अभी भाई 24-25 तारीख ने दोबारा काम के भी जाना पड़ सके, जो आज गए तो। अच्छा, दोबारा जाना पड़ सकता है तो हो सकता है 24-25 लगा लें। 24-25 में कवर, पर यार रस बहुत ज्यादा रहेगा उस टाइम ना जाऊँ, जब तो आज जा रहे हैं यार, गेट में ना रहे जाए हमसे, बाबा तो मिल जाए अकेला, गंद ज्यादा मस्ती है यार अकेला, बतलाओ बाबा तो बैठ के दो बात कर सके यार। नहीं सुबह भी भीड़ रहे हमारे, हम अब जा रहे हैं शाम के टाइम, मतलब थोड़ी देर हाथ लगा और भगे बाबा दो घड़ी बात कर का नहीं है, बाबा हमारी सुन ले, हम भी तेरे भगत हैं। वैसे बाबा बोलो फिलहाल धरती पाड़ो है, फिलहाल धरती पर भाई, सावन तो यही रहता है बेचारे, जितने भी कावड़िया आवे इनमें सब में भोला वास करता है भाई, जितनी हो सके सेवा हम भी सेवा करेंगे, ये नहीं कि भाई ज्ञान पेल दिया और सेवा भी कुछ नहीं, सेवा भी करेंगे, जाएंगे शिविर लगे हैं अभी, कावड़ी आने शुरू हो जाएंगे तो उनकी सेवा में भी जाएंगे। तो भाई ठेठ पहुंच गए मंदिर में और पीछे कर दी अपनी गाड़ी खड़ी, तेजपाल आ रहा है और यहाँ पीछे का सीन देख लो, अंधेरा है, यहाँ लाइट जुड़ रही है इसलिए ना उजाला हो रखा है। बोल शंकर भगवान की जय। इस टाइम भीड़ नहीं है, बाकी सुबह के टाइम अगर आप आते हो ना भाई, यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और बहुत लंबी चौड़ियों से घूम कर आना पड़ता है पूरा। तो यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट जाके बाबा के दर्शन कर लेंगे अभी तो। जय शंकर जी। और पीछा ने तो यार पता नहीं क्या कोई बात होगी, तो आपस में अपना सुर जेड़ा कर ले वो लोग। तो तेजपाल यहाँ मेलो लग रहे जेसीबी तो भरांगा रेत और भाई ट्रैक्टर में लोड करांगा और गांव में थाने में गिर गया करांगा, भरत को काम शुरू कर देंगे। भरत अगर आपको करवाना हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना भैया ना। Thank you.
भी कम हो गया वहीं पर गैर हो हमने ऐसे परमानेंट चालू रखो परमानेंट वीडियो बनती है कहीं भी देखता हूँ जहाँ बया लगना है वहाँ की बात अलग यहाँ तो चलो मना नहीं है भीड़ ज़्यादा रहती है तो मतलब वीडियो वगैरह बनाना ज़्यादा अलाउ नहीं होता अगर आप जल्दी जल्दी चलते चलते ही बना सकते हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वन नंदी महाराज की जय। दर्शन करके और अब चलते हैं अपने। अरे यार मैं चप्पल तो भूल गया है चप्पल भूल गया है ये पिया काट के करो तो चप्पल भूल गए और यार रिमझिम बारिश कंटिन्यू हो रही है देख रहे हो ना रिमझिम कंटिन्यू बारिश हो रही है। तेजपाल आज ट्रैक्टर और जेसीबी दिवाई थे कल तो धंधो शायद भाई साहब भरत करवाना हो तो बता ही देना कमेंट कर देना भाई। कमेंट कर देना तो भाई साहब बाबा के दर्शन करके चल दिए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अपना भाई तेजपाल तो भाई छोड़ के चला गया तेजपाल के घर से भी फोन आ गया था तो भाई मैंने कि यार मोड़ पे छोड़ दो मैं यहाँ से पैदल पैदल चला जाऊंगा तो अभी जा रहे पैदल पैदल। यार मम्मी पापा का भी फोन आ गया था बोले यार घर नहीं आया अभी तक मैं हालांकि बिना बताए चला गया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो एकदम तेजपाल का पहले ही कह रहा था बोला भाई मंदिर चलेंगे मैंने चलो भाई जब भी आएगा मंदिर जरूर चलेंगे भोलेनाथ क्यों फिर वो अपनी ड्यूटी चला जाता सुबह मस्ते नहीं है यार किसी भी चीज़ को मेरे साथ ही है आपके साथ भी ऐसा है तो अंधेरे मेरे को दिख कुछ भी नहीं रहा है लेकिन आप ब्लॉग कंप्लीट करना जरूरी तो गाइज अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड बाय।